हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम जानेंगे बद्रीनाथ तुलसी के बारे में। यह तुलसी बद्रीनाथ घाटी में अत्यधिक से उगने वाली बद्री तुलसी को बद्रीनारायण भगवान जी को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। दोस्तों, बद्री तुलसी की सुगंध बहुत ही अच्छी होती है, जो लंबे समय तक चलती है। दोस्तों, बद्री तुलसी उत्तराखंड के चमोली की पहाड़ियों में स्थित है। वहाँ के स्थानीय लोगों ने इस पौधे को भगवान बद्री विशाल को समर्पित किया है। दोस्तों, कोई भी इस पौधे को हानि नहीं पहुँचाता। जो भी श्रद्धालु वहाँ जाते हैं, केवल इसे प्रसाद के रूप में तोड़ते हैं। पुराणों में भी इसके औषधीय गुणों का खूब बखान किया गया है। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, यह कोई मामूली पौधा नहीं है, इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। दोस्तों, बद्री तुलसी में बहुत से औषधीय गुण हैं दोस्तों, जो कई रोगों का इलाज में उपयोग की जाती है। दोस्तों, वन अधिकारियों ने बताया कि बद्री तुलसी में जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने की अद्भुत क्षमता है। और हाँ दोस्तों, लोग इसकी चाय बनाकर भी पीते हैं। वहीं बद्रीनाथ आने वाले श्रद्धालु इसे प्रसाद के रूप में अपने साथ ले जाते हैं। और दोस्तों, वहीं बद्री तुलसी का पौधा लेकर अपने आंगन में लगाते हैं। इस पौधे की लंबाई 5 से 6 फुट लंबा हो जाता है और पौधा छतरी के आकार का बन जाता है। दोस्तों, अपनी सुगंध से पूरे घर आंगन को महकाता है। इस बद्री तुलसी में खास बात यह है दोस्तों, तोड़ने के बाद 2 माह तक सुगंध बरकरार रहती है। दोस्तों, भगवान बद्री नारायण जी को इसीलिए विशेष प्रिय है यह तुलसी। बद्रीनाथ धाम के मंदिर में इस बद्री तुलसी की सुगंध चारों ओर फैली रहती है। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम रोज तुलसी की मालाएं चढ़ाई जाती हैं। ये माला पंचायत और ब्राह्मणी गांव के लोगों द्वारा बनाई जाती है। और दोस्तों, बद्री तुलसी की महक वहाँ के वातावरण को पवित्र बना देती है। दोस्तों, उत्तराखंड में तो सभी के घर में हर प्रकार की तुलसी मिलती है। रामा तुलसी हो गई, श्यामा तुलसी हो गई और बद्रीनाथ तुलसी हो गई। ये तुलसी तो हर जगह देखने को मिलती है, हर घर में मिल जाती है। दोस्तों, बद्री तुलसी अभी शहरों में नज़र कम आती है। दोस्तों, और दोस्तों, कहीं कहने में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा तहे दिल से क्षमा चाहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।